पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा है, जरा धूम से निकले। बांग्लादेशी स्पिनर्स ने पिंडी की बेजान पिच पे जान डाल दी और पाकिस्तानी फैंस की जान निकाल ली। बांग्लादेश ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है पाकिस्तान को उसके ही होम ग्राउंड में हरा कर। तो भाई यही तो मसला है, पाकिस्तान टीम का तो जन्म जो हुआ है वो हुआ ही दूसरों की हिस्ट्री बनाने में। आप देख लो, यूएसए पहली दफा वर्ल्ड कप खेल रहा था, पाकिस्तान को हरा के उसने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी। आज देख लो सीन क्या हुआ है आयरलैंड भी ने। भाई आयरलैंड भी, वही तो बात है ना, आज अफगानिस्तान भी, उसके बाद आज और ये आप समझ लो ना, ये आज मैं बोलूंगा कि भाई बड़ा शौक हो गया और ये ब्लैक भाई ये तो तैयार थे। पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम घटिया क्रिकेट टीम, दो टके की क्रिकेट टीम भाई जान बांग्लादेश से भी फेल चुकी है। मतलब घर में घुस के बांग्लादेश ने मारा है, अपने घर में बुला के नहीं, हमारे घर में आके ना, और पिच भी हमारे मतलब की बनी हुई थी उधर भाई, पटाखे के साथ हमें मारा है। इसके ऊपर पाकिस्तान में मतलब हर बंदे ही तपो गया तकरीबन। शुएब अख्तर की बात करूं मैं, वसीम अकरम की बात करूं मैं, आप जावेद मियांदाद उस टकले की भी बात कर लो अगर आप, मतलब सबसे ज्यादा बंदा तपा हुआ है ना, मतलब राशिद लतीफ और शुएब अख्तर, इन दो लोगों को मैं देख रहा हूं कि भाई काफी तपे हुए, ऑब्वियसली बात है ना। आपके साथ के पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों भी इस टेस्ट में शिकस्त हो चुकी है। पाकिस्तान अपने होम पर टेस्ट मैच हार चुका है। जीत तो हम खैर पहले भी नहीं रहे थे, ड्रॉ की तरफ जो सिचुएशन जा रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान कल अगर आप हमारा शो उठाकर देख ले, जो कल हमने लाइव स्टेडियम के बाहर से शो किया और उसमें हमने बार बार एक ही अल्फाज को दोहराया और उस एक अल्फाज हमारे ये थे कि अगर पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच को बचाने की कोशिश की तो पाकिस्तान कभी भी इस टेस्ट मैच को बचा नहीं पाएगा, बल्कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में हार जाएगा। तो भाई जनाजा निकल गया पाकिस्तान की क्रिकेट का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के हाथों। कोई नई बात नहीं है, हम हैं बहरत हैं, बेहिस हैं, नहीं तो जो कुछ हमारे साथ वर्ल्ड कप में हुआ क्या सर्जरी बनती नहीं थी? बाबर आजम कैसे टीम में आ गया, शाहीन नसीम कैसे टीम में आ गया, आप मुझे बताओ यार। लास्ट तीन साल से हम घर में टेस्ट मैच नहीं जीते तो फिर ये लोग कैसे खेल रहे हैं, ये किस पोटेंशियल की बेस पे खेल रहे हैं आप मुझे बताओ। उस वक्त अगर हम इंसान के बच्चे होते हम इनकी सर्जरी करते, सर्जरी तो बहुत छोटा लफ्ज है, हम इनका मुंह काला करके गधे पे बिठा के पूरा पाकिस्तान इन्हें फिराते, इनके गले में जूतों का हार डालते, इनको गंदे अंडे गंदे टमाटरों का डर होफ होता, अपनी तन्हाई हलाल करने का होफ होता तो ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते। बट बात यह है कि हम बेहिस हैं, हम बहरत हैं। उससे पहले वर्ल्ड कप में जो हुआ टॉप 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाए। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हाजिर हूं आपके साथ एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस बांग्लादेश ने इतिहास रच दिया और पाकिस्तान को उन्हीं के घर में जाकर टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट से भाई हार दे दिया। 10 विकेट से, जो पाकिस्तान बोलता है हमारे पास दुनिया की सबसे नंबर वन बॉलिंग है, वो पाकिस्तान बांग्लादेश टीम से घर में 10 विकेट से हार गया है। और मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश की ये पहली जीत है टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के ऊपर। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी क्रिकेट फैन सभी का गुस्सा देखने को मिलता है। तो मैं ऐसे कुछ पाकिस्तानी मीडिया के वीडियो लेके आया हूँ, पहले वीडियो देखते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे। आज सीन क्या हुआ आज देख लो आप, 30 रन का टारगेट, मतलब लोएस्ट टारगेट बना है भाई आज टेस्ट मैच का, कि इतना कम टारगेट दे रहे हो, उसके बाद आप 146 पे निपट रहे हो भाई। ऑल टीम आउट हो गई है यार आपकी। देखो चलो ठीक है, अब आपका आपने 450 बनाई पहली इनिंग में, फिर बांग्लादेश ने आके 500 बना दिया, ठीक है चलो ठीक है, आप ऊपर ऊपर से आ रहे थे, लेकिन आज आपको एक अच्छा मौका मिला था। अगर आप अगर आप दो सेशन अच्छे से खेल जाते और अगर आप 250 280 300 तक का भी मैक्सिमम टारगेट कर देते ना भाई, तो आपका ये होता कि बॉलर्स के पास मार्जिन होता। अब बॉलर्स की बात आप देखो ना कि भाई, अच्छा हमें कल तक एक्सपेक्टेड ये था कि ये ड्रॉ करेंगे, समझ नहीं आ रहा है बंदा बोले क्या इस बात पे कि भाई, मतलब कि आप कल तक, अब पाकिस्तान का फर्स्ट डे हुआ हफ्ते, टेस्ट वन में ये लग रहा था भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, बैटिंग वगैरह अच्छी हुई, साउथ साउथ भाई की रिजवान भाई की तारीफ हो रही है, ठीक है। सेकंड डे में क्या हुआ कि अब लग रहा था साउथ और रिजवान ने वो फर्स्ट टेस्ट मैच बचाया था, वरना तो हम लोग उस वक्त भी आउट हो जाते। पाकिस्तान बांग्लादेश से पहली बार हारा है, मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश से हिस्ट्री में टेस्ट पहली बार हारा है, ये बांग्लादेश की पहली जीत थी एज अ टेस्ट की पाकिस्तान के खिलाफ, तो ऑब्वियसली बात है हर बंदा तपेगा ना। शुएब अख्तर ने बड़ी जबरदस्त बात की, शुएब अख्तर ने बोला है कि जब आप खुली छूट दोगे, जब आप जो वो सर्जरी बोल कर नहीं करोगे, जब आप प्लेयर्स का साथ दोगे, तो ऑब्वियसली बात है फिर इस तरह की चीजें होंगी। शुएब अख्तर ने डायरेक्टली बात की है कि आप इंडिया से सीखो,
आप इंडिया से सीखो कि किस तरह सीनियर प्लेयर की मौजूदगी में उन्होंने जूनियर तैयार किए और अब वो वर्ल्ड क्रिकेट पे राज कर रहे हैं। आज कल यशस्वी जायसवाल का नाम है, शुभमन गिल का नाम है, अक्षर पटेल का नाम है, रियान परक का नाम है, हर बंदे का नाम चल रहा है, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तानी प्लेयर्स का कहीं नाम नहीं चल रहा। शुएब अख्तर ने बड़ी जबरदस्त बात की, शुएब अख्तर ने बोला कि आप एक 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 एज अ नेशन फेल हो चुके हो, आप अपनी टीम की बुराई उस तरह करते ही नहीं हो ना। ऑब्वियसली बात है ना, जब मेरा घंटे का जो किंग है, जो दो टके का बुब्जी है, वो पिछले डेढ़ साल से टेस्ट क्रिकेट में आधा 150 भी नहीं है उसका, तो वो किस मेरिट पे क्रिकेट खेल रहा है? अप्रोच कि हम जीत के लिए खेल रहे हैं, ना ही इन खिलाड़ियों में कोई भूख थी। इससे कमजोर पाकिस्तान टीम में मैंने भूख देखी है कि हमें मुल्क के लिए कुछ करना है और हमें अपने आप को प्रूफ करना है, वो चीज बिल्कुल मिसिंग थी। अनडाउटेडली ये पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की सबसे शर्मनाक शिकस्त है। T20 वर्ल्ड कप में जब USA से हारे थे तो लगा था इससे बुरा और क्या होगा, लेकिन रुको जरा, सबर करो, ये होना था। बांग्लादेश आपके होम कंडीशन में आएगी, आपके होम ग्राउंड के सामने आपको शिकस्त देगी, और शान मसूद कह रहे थे किला बनाएंगे, पाकिस्तान को अपना क्रिकेट का किला बनाएंगे। अगर आपको याद हो तो उनका कहना था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से बाहर से आने वाली टीमों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, पाकिस्तान को भी ऐसा बनाएंगे कि बड़ा मुश्किल हो। किस दुनिया में रहते हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं आप? सेकेंड टीयर टीम है, सेकेंड टीयर टीम पिछले 5 सालों से पांचवें छठे नंबर के बाद जो टीमें आती है ना, उनमें आपका शुमार होता है, और अब तो वो भी नहीं। ख्वाब आप देखते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलने के, अगर ख्वाब में भी कभी आ रहा हो ना कि आप WTC का फाइनल खेल रहे हैं, अपने आप को जगाइए, क्योंकि हम उस लायक नहीं है। बुब्जी द किंग है, वो किंग कब करेगा यार, वो किंग किस दिन करेगा? पहली इनिंग में जीरो है, दूसरी इनिंग में भी आप देखो कैच छुट गया पहली बॉल पे, नहीं तो वो दूसरी इनिंग में भी जो है ना कपल होता उसके अंडों का। और ये सिर्फ बाबर आजम शान मसूद पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग की कहानी नहीं है यार, हमारा ओवरऑल क्रिकेट स्ट्रक्चर ही कोलैप्स किया हुआ है। आप देखो मोहसिन नकवी की क्या पोटेंशियल है, वो बंदा इंटीरियर मिनिस्टर है जो न्यूज चैनल रन करता है, वो किस बेसिस पे? मैं आपको PCB से नीचे तक सारा लाऊंगा कि भाई हमारा क्रिकेट का निजाम क्या है। प्लेयर तो बेचारे समझो फिर मासूम है। आप मुझे बताओ मोहसिन नकवी किस बेसिस पे PCB का चेयरमैन बना हुआ है? मीडिया का मालिक है, बिजनेसमैन है, इंटीरियर मिनिस्ट्री चलाता है, ऑन विच बेसिस? कुछ बेसिस नहीं है, क्योंकि बस निजाम है जिनके हाथ में, उन्होंने मोहसिन नकवी को बना दिया। उसके बाद CEO आप देखो सलमान नसीर, तीसरी बार वो तीसरे चेयरमैन के साथ वो CEO बन रहा है, नजम सेठी, रमीज राजा, और अब इसके साथ भी क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्रेडेंशियल्स हैं? जी हुजूरी उसके क्रेडेंशियल्स हैं, उठाना उसके क्रेडेंशियल्स हैं, तारीफें करना उसके क्रेडेंशियल्स हैं, नहीं तो क्रिकेट जितनी बर्बाद हुई है, क्या हमारा CEO चेंज करना नहीं बनता? उसके बाद इस बोर्ड ने वकार यूनुस को रखा है, क्या किस बेस पे रखा है? 11 में उसने टीम बर्बाद की, उसके बाद जब कोच बना फिर बर्बाद की मिसबा के साथ, अब फिर हमने रख दिया, क्योंकि निजाम कोई भी नहीं है हमारी क्रिकेट का। हमने बाबर आजम को कप्तान रखा हुआ था, किंग बनाया हुआ था, क्या कोई थर्ड क्लास टीम जो हमारे मथे लगी हुई है ना, जिसने ना घर में जीतना है ना बाहर जीतना, और हर जगह जहां पर इस टीम को आप भेजेंगे ये आपको जलील होती हुई नजर आएगी। पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को घर में घुस के फेंटा लगा दिया है, घर में घुस के पहली इनिंग्स शान मसूद साहब ने बड़ा डिंगा बन के जो है वो इनिंग्स डिक्लेयर की थी, 448 हमने बना लिए। बांग्लादेश की कहां औकात है भाई कि वो जो है 448 बना सके, 200 के अंदर हमने उठा के बाहर फेंकना है। बांग्लादेश ने आके ऐसा फेंटा लगाया ना, ऐसा फेंटा लगाया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो गाइस फाइनली आपने पाकिस्तानी मीडिया को सुना, और देखो पाकिस्तानी मीडिया का गुस्सा जाए जाए, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने इससे पहले बड़ी बड़ी बातें की थी, जैसा कि शान मसूद के बारे में अभी बताया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और भाई पाकिस्तान का प्रदर्शन दिन ब दिन गिरता जा रहा है, और अगर आप बांग्लादेश जैसी टीम तुम्हें घर में आके 10 विकेट से हरा जाती है तो ये सच में बहुत ही शर्मनाक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।